गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वीट मॉर्निंग। आज मैं आपका टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ, चैप्टर नंबर 8 इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसका वीडियो नंबर 2। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी तक मैंने आपको बताया है, थोड़ा सा हम पिछले वाला रिवीजन करते हैं। व्हाट डू मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या है उसके टाइप्स, क्या है सोशल इकोनॉमिक्स, ये हमने, और क्या क्या इम्पोर्टेंस है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये हमने अपनी फर्स्ट वाली वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए। आज हम अपने सेकंड वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एनर्जी, जो कि हमारा की कंपोनेंट होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। की कंपोनेंट है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, यानी हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके लिए हम क्या करेंगे, जो क्लास 12 के अंदर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एनर्जी का टॉपिक का डिस्कस करेंगे, सेम एज इट इज हमारी जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर हम स्टडी करेंगे हमारा हेल्थ। तो एनर्जी क्या है, हमारा मेन इकोनॉमिक है, उसी के बेस पर हमारी क्या होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। मेनली जो एनर्जी है वो किसके लिए यूज की जाती है, प्रोडक्शन के लिए और कंजम्पशन। प्रोडक्शन क्या होता है, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है यानी प्राइमरी सेक्टर है या इंडस्ट्री सेक्टर है, तो उसके अंदर क्या होती है एनर्जी। एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी या कोल, पेट्रोलियम, ऑयल, ये सारे के सारे यूज किए जाते हैं। तो इसके लिए वो किसके लिए यूज किए जाते हैं, प्रोडक्शन की, वो कहीं ना कहीं अनादर गुड्स का क्या कर सके, प्रोडक्शन कर सके। सेम एज इट इज आपकी क्या होती है, कंजम्पशन एक्टिविटी। कंजम्पशन यानी घर के अंदर हम हाउस होल्ड के अंदर क्या करते हैं, चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम करने का मतलब है कि आपके घर के अंदर क्या होता है, कुकिंग गैस है, या फिर आप क्या करते हो, लाइटिंग जो ऑन करते हो, या एसी, कुछ भी एक्स वाई जेड, जहाँ पर भी आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हो, एनर्जी को यूज़ करते हो, एलपीजी गैस को यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर आपकी क्या यूज हो रही है, एनर्जी यूज हो रही है, लाइटिंग के लिए, हीटिंग के लिए, कुकिंग के लिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी, बेसिकली कौन कौन से आपके सोर्स ऑफ एनर्जी है। फर्स्ट वन इज योर कॉमर्शियल एनर्जी एंड सेकेंड वन इज योर नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। जो कॉमर्शियल एनर्जी होती है इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पे प्राइस, यानी कि आपको इसके लिए इंडियन, मतलब कि कोई भी हमारी लोकल मार्केट है या फिर इंटरनेशनल मार्केट है उसके अंदर इसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, प्राइस पे करने पड़ेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल देती हूँ, कॉल है, पेट्रोलियम है, ऑयल है, ये हमें क्या होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कहीं ना कहीं प्राइस क्या करने पड़ते हैं, पे करने पड़ते हैं। जब हमें पे करने पड़े तो वो किससे रिलेटेड हो गया, हमारी कॉमर्स से, कॉमर्शियल, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, कॉमर्शियल एनर्जी। तो ये क्या होते हैं, बेसिकली ये हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, एक्सहेजिटेबल सोर्सेज भी होते हैं। सेकेंड वन इज योर नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। नॉन कॉमर्शियल क्या होते हैं, जिसके लिए हमें नॉट टू पे प्राइस, हमें क्या करना पड़ेगा, कोई प्राइस पे नहीं करना पड़ेगा। जब हमें इसके लिए कोई भी प्राइस पे नहीं करना पड़ता तो वो कौन से होते हैं, हमारे नॉन कॉमर्शियल। जैसे कि हमारे क्या होते हैं, जो बेसिकली रूरल एरियाज में ज़्यादा पाए जाते हैं, एनिमल वेस्ट है या एग्रीकल्चर वेस्ट है या फिर हमारे जो भी फायरवुड है, ये कौन से होते हैं, हम नॉन कॉमर्शियल एनर्जी के सोर्सेस होते हैं, जिनके हमें क्या होते हैं, जिनके लिए हमें कोई भी अमाउंट पे नहीं करना पड़ता, ना ही लोकल मार्केट के अंदर, ना ही इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो ये कौन से सोर्सेस होते हैं, ये रिन्यूएबल सोर्सेस भी होते हैं, यानी इनको हम रिन्यू कर सकते हैं। तो ये थे हमारे टू टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल एनर्जी एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। अब हम स्टडी करेंगे सोर्सेज फ्रॉम विच इट इज डेरिव्ड, कहाँ कहाँ से हमें ये जो सोर्स है कॉमर्शियल, कहाँ कहाँ, ये है फर्स्ट वन इज योर कन्वेंशन सोर्स ऑफ एनर्जी, सेकेंड वन इज योर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ये क्या होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से हम क्या कर रहे हैं, उन्हें हम यूज कर रहे हैं, लॉन्ग पीरियड टाइम से हम उन्हें यूज कर रहे हैं, और वो क्या होने लग रहे हैं, साथ के साथ हम उन्हें क्या कर रहे हैं, स्टोर भी करने लग रहे हैं। वो होते हैं हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या होते हैं हमारे, इसके अंदर हमारे बेसिकली क्या होते हैं, इसके अंदर हमारे ये क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल
सोर्सेस होते हैं कौन से वाले कन्वेंसर, कि एक बार जो चीज़ें हमें, जैसे कि कमर्शियल एनर्जी है, तो इसके अंदर जो चीज़ें एक बार हमने क्या कर ली, यूज़ कर लिया, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम, एक बार यूज़ कर लिया, अगेन वो चीज़ें हमें मिलेंगी नहीं, तो वो कौन से होते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके अंदर सारे के सारे कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल किसके अंदर आते हैं आपके, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के। सेकंड वन इज योर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल क्या होते हैं, अभी रिसेंटली हम उन्हें क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, रिसेंटली पीरियड ऑफ टाइम से हम इन्हें क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, रिसेंटली पीरियड। तो इसके अंदर क्या है, ये हमारे कौन से है, ये हमारे बेसिकली जब हम इन्हें रिसेंटली यूज कर रहे हैं तो ये हमारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे कि आपकी हाइड्रो एनर्जी हुई, आपकी सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वो सारे के सारे कौन से आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ के अंदर आते हैं। तो बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारे लिमिटेड अमाउंट मिलते हैं, ये लॉट ऑफ अमाउंट में मिल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, ये काफ़ी टाइम पीरियड से हम यूज़ कर रहे हैं, इन्हें हम क्या कर रहे हैं, अभी यूज़ करना स्टार्ट किया है। अब हम स्टडी करते हैं, उसके बाद है हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर क्या होते हैं, ये हमारे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं जो हमें फ्री ऑफ नेचर से मिलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, फ्री ऑफ नेचर मिल रहे हैं, और इसके लिए हमें कोई, उन्हें हमें क्या नहीं करना पड़ता, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ठीक है, यानी नेचर से हमें मिले फ्री में, और हमें कोई क्या नहीं करने की जरूरत पड़ती, ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो होते हैं प्राइमरी। जैसे कि हमें कोल मिला, ये नेचर से ही तो मिला है, या फिर हमारा उसके अलावा है पेट्रोलियम है, गैस है, ये कौन से होते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। अब उसके बाद कौन से स्टडी करेंगे, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर कौन से आते हैं, जिन्हें हमें क्या करना पड़ता है, जो हमें नेचर से फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलते हैं, या जिसके लिए हमें क्या नहीं करना पड़ता है, हमें कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन करवाना पड़ता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि हमने इसको किस में कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, किसके अंदर ट्रांसफॉर्म किया है, हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया, जैसे कि एनर्जी है जो हम थर्मल पावर से एनर्जी बनाते हैं तो कोल का यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से वाटर से बना रहे हैं तो हाइड्रो पावर, तो ये क्या होते हैं हमारे सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, पावर और इलेक्ट्रिसिटी। हम टॉपिक किसके बारे में स्टडी कर रहे थे, पावर और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो पावर और इलेक्ट्रिसिटी हमारा क्या है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस की जाती है, फिर बाद में कंजम्पशन होती है। तो ये क्या होता है, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मेन रोल क्या होता है, पावर का, इलेक्ट्रिसिटी का, हमारे जीडीपी ग्रोथ के में कहीं ना कहीं जो जीडीपी ग्रोथ है तो उसमें भी पावर क्या कर रहा है, मेन रोल प्ले कर रहा है। अब है कहाँ कहाँ से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है जनरेट हो रही है, जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रही है। फर्स्ट वन इज योर थर्मल पावर, सेकेंड वन इज योर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, एंड थर्ड वन इज योर न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर। जो हमारी थर्मल पावर है, तो थर्मल पावर में बेसिकली जो हमारी एनर्जी जनरेट होती है वो किससे होती है, कोल से, यानी इसके अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, बेसिकली कोल का यूज़ करते हैं, नेचुरल गैस का या फिर ऑयल का, मेन रोल है बेटा आपका कोल। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसके अंदर हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो वाटर के द्वारा होती है, और वो वाटर कहाँ से आता है, या तो रिवर का होता है, या फिर हमारे क्या बने होते हैं, जो डैम्स वगैरह बने होते हैं, वहाँ से ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट होती है। उसके बाद है हमारी जो न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर है। न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर के अंदर हमारी किसका यूज़ किया जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी, जिसके लिए हमारे यहाँ पर यूरेनियम है, यूरेनियम है, इसका यूज किया जाता है, बेसिकली यूरेनियम। जैसे कि आपके हरियाणा के अंदर बात करें तो फतेहाबाद सिटी के अंदर भी न्यूक्लियर पावर से एनर्जी बनाने के लिए स्पेशली प्लांट लगाया गया था, ऐसे अलग अलग जगह पर न्यूक्लियर से एनर्जी बनाने के लिए प्लांट लगाए गए। तो ये थे हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी, जहाँ पर सोर्स ऑफ पावर जनरेट होती है थर्मल पावर से, हाइड्रो इलेक्ट्रिक से,
और न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर के द्वारा हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब हमारी तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो वो होती है 67% थर्मल पावर से, और जो हमारी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो केवल हो रही है बेटा हमारी 13% ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, और जो हमारी न्यूक्लियर पावर से है वो केवल अभी प्रोग्रेस ही करने लगी है, वो ज़्यादा नहीं हो रही है, और जो रेस्ट बच गई बेटा वो अदर सोर्सेज के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। मेन आपके जैसे कि विंड से भी तो होती है, सोलर से भी तो होती है एनर्जी जनरेट पावर, तो वो हमारे रेस्ट के अंदर आ रही है। तो मेन तीन है सोर्स ऑफ एनर्जी, थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर। अब हम उसके अलावा सोलर एनर्जी के लिए आपने अभी मैंने टॉपिक बताया कि सोलर से भी क्या होती है एनर्जी जनरेट होती है, और ये क्या है बेस्ट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इवन गवर्नमेंट ने भी हमें क्या देती है सब्सिडी देती है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के टाइम पर, जब हम क्या करते हैं सोलर एनर्जी अपने घर में वो उसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। अब है कौन कौन से चैलेंजेस है किसके अंदर आपके पावर सेक्टर के अंदर, तो सबसे पहला मेन है इनएडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। हमारी पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी क्या नहीं होती है, जितनी जनरेट होनी चाहिए उतनी हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पाती। जब हमारी पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पाती तो उसका सीधा लॉस क्या होता है कि हमारा क्या होता है कभी क्या होता है पूरी की लो वोल्टेज हो जाती है, और कभी क्या होता है कि बार बार कट होने लग जाते हैं, तो बार बार कट हो रहे हैं या प्रॉपर वैसे लाइट नहीं मिल रही है, तो या फिर काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव हो गया वोल्टेज फ्लैक्चुएशन हो गया, तो इसके कारण जो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो लगातार लॉस में चली जाती है। किसके कारण? इनएडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के कारण। सेकेंड वन इज योर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी। हमारी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो भी क्या है अंडर यूटिलाइजेशन, यानी इसके अंदर बेसिकली यूज होता है PLF का, प्लांट लोड फैक्टर। प्लांट लोड फैक्टर में कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कितनी होती है और उसके अलावा प्रोडक्शन उसकी कैपेसिटी है, उससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं PLF कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हमारा वो भी हम क्या करें अंडर यूटिलाइज। थर्ड वन इज योर पुअर परफॉर्मेंस ऑफ SEB। हमारी जो परफॉर्मेंस है वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की है वो कैसे जाने लग रही है, वो बहुत ही खराब जा रही है। जैसे कि अगर बात करें दिल्ली की तो दिल्ली का भी हमारा जो है वो लगातार किस में चल रहा है, वो लॉस में चल रहा है। हमारी जो परफॉर्मेंस थी वो कैसी थी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, बहुत पुअर चल रही है। पुअर चलने के कारण जैसे कि दिल्ली है उसने क्या कर दिया प्राइवेट कर दिया, तो ऐसे हमारी जो है लगभग सभी स्टेट पुअर परफॉर्मेंस। शॉर्टेज ऑफ इनपुट, इनपुट का मतलब है जो रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे कि थर्मल पावर से बन रहे हैं तो उसके अंदर चाहिए आपको कोल, तो वो जब कोल नहीं मिल रहा है या फिर अदर जो चाहिए है, या जो एक प्लांट के अंदर अलग अलग जो कैटेगराइज प्रोवाइड कर दी जाती है अगर वो प्रॉपर वे से काम नहीं करते तो क्या हो रहा है प्रॉपर वे से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रही है। प्राइवेट और जो फॉरेन एंटरप्रेन्योर है उनका रोल क्या है लिमिटेड है, जिसके कारण सारे का सारा जो प्रेशर है वो किस पे पड़ रहा है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट पर या फिर स्टेट गवर्नमेंट पर। लैक ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन क्या हो रहा है, पब्लिक कॉरपोरेशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि क्या करने लोग क्या करने लग रहे हैं कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का थेफ्ट करने लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। किसके कारण? क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा हाई टैरिफ लगाए जाते हैं, या फिर क्या होता है कई बार गवर्नमेंट के द्वारा फ्री में क्या कर दी जाती है इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। अब हम इसको कैसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इम्प्रूविंग द चैलेंजिंग सेक्टर, तो उसके अंदर हम स्टडी करेंगे इम्प्रूविंग करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी होगी। सेम एज इट इज हमारा जो अंडर यूटिलाइजेशन है हम उसे प्रॉपर वे से हमें यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी करेंगे तब होगा। हमारी जो परफॉर्मेंस पुअर थी उसकी जगह हमें क्या करनी पड़ेगी, गुड परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। जैसे आप दिल्ली ने कर लिया है अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट, और भी जो हमारे शॉर्टेज ऑफ इनपुट है तो हमें क्या करना है प्रॉपर वैसे इनपुट प्रोवाइड करना है। लिमिटेड रोल है प्राइवेट पब्लिक सेक्टर का, तो कहीं ना कहीं अब मेन रोल देना पड़ेगा हमें प्राइवेट और फॉरेन एंटरप्रेन्योर का। कहीं ना कहीं जो हमारा पब्लिक कॉरपोरेशन लैक था अब क्या होगा हमारा फुल एफर्ट्स होंगे या फुल
पब्लिक कॉर्पोरेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये था हमारा आज जो टॉपिक मैंने करवाया है, पावर इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर एनर्जी के अंदर था, की कंपोनेंट था। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर।